हेलो फ्रेंड्स, नविताज किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पोहा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान होता है। ये महाराष्ट्र और यूपी के लोगों में बहुत ही फेमस नाश्ता है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं पोहा। पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पोहा लिया है। इसे फ्लैटेंड राइस भी कहा जाता है। मैंने थिक पोहा लिया है। 3 मीडियम साइज प्याज लिए हैं मैंने, इनको बारीक काट लिया है। मूंगफली के दाने यानी कि पीनट्स, इनको भी मैंने छील लिया है। आधी कटोरी मटर लिए हैं मैंने, ये ऑप्शनल है। कड़ी पत्ता 10 से 12, आधी नींबू का रस हमें चाहिए। 3 मिर्ची ली है, इनको लंबाई में काट लिया है। सरसों के दाने हमें चाहिए आधी छोटी चम्मच। नमक मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है, आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच। चीनी हमने ली है 1 बड़ा चम्मच। धनिया गार्निशिंग के लिए। और तेल हमने लिया है पोहा बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पोहा बनाना। सबसे पहले हम पोहा को वॉश कर लेंगे। पोहा को वॉश करने के लिए हम एक छन्नी लेंगे और एक बड़ा बाउल लेंगे। छन्नी में पोहा को डाल देंगे और इसको चलते हुए पानी में हमें वॉश करना है। इस तरह से इसमें पानी डालते हुए हम इसे वॉश कर लेंगे। हमें इसको ज्यादा देर पानी में नहीं रखना है। हमने पोहा को वॉश कर लिया है। अब बाउल में जो पानी है हम उसे निकाल देंगे और छन्नी को इस तरह से बाउल में रख देंगे। तो चलें अब हम पोहा के लिए सीजनिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीनट्स को थोड़ा सा भून लेंगे। कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पीनट्स डाल देंगे। इसको चलाते हुए भूने। हमें पीनट्स को मीडियम फ्लेम पे भूनना है। हम इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। इसको हमने लगभग 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमें इसको भूनकर निकाल लेना है। हमें इसका बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं करना है। तो चलें पोहा के लिए हम बाकी की सीजनिंग तैयार कर लेते हैं। पैन को गैस पे चढ़ा देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखना है। अब हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों के बीज यानी कि मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। जब सरसों के बीज चटकने लगे तो साथ में हम कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा चला लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। हमें प्याज को चलाते हुए हल्का सा भूनना है। इस टाइम पे हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें मटर डाल देंगे। फ्रेंड्स, मटर ऑप्शनल है, आप इसकी जगह कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने मटर को भी प्याज के साथ हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे और मिला देंगे। हल्दी के थोड़ा सा पकने के बाद उसमें पोहा डाल देंगे। इस तरह से हम हाथ से फैलाते हुए सारा पोहा पैन में डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। गैस को कम कर देंगे और अब हम इसमें नमक, चीनी, हरा धनिया और पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने भी डाल देंगे। इनको अच्छे से मिला देंगे। हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे और साथ ही में हमने जो नींबू लिया था उसको हाथ के ऊपर ऐसे स्क्वीज करते हुए चारों तरफ डाल देंगे। इस तरह से नींबू के बीज भी पोहा में नहीं जाएंगे। अब इसको फिर से एक बार मिला लेंगे। पोहा बन चुका है, तो चलें अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पोहा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।